नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। आने वाली 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव को लेकर अर्धप्रकाश की टीम ने राष्ट्रवादी देवभूमि पार्टी के 2 विधानसभा के उम्मीदवार से खास मुलाकात की। आगामी 12 नवंबर को विधानसभा हिमाचल के चुनाव को लेकर आज हम अर्धप्रकाश की टीम हिमाचल बद्दी क्षेत्र में पहुंची है। दून क्षेत्र से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बलवंत ठाकुर जी, आज उनसे बात करेंगे। बलवंत ठाकुर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर बहुत से उम्मीदवार हैं, भाजपा के भी हैं, आपके भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा, लोगों की क्या समस्याएं जो उठाएंगे आप? सर, सबसे पहले तो हमारा जो मुद्दा है उस्मानता का मुद्दा है, जो देश में इन राजनेताओं ने जातिवाद फैला रखा उसके खिलाफ है। और दूसरा हमारा मुद्दा विकास का है, तीसरा हमारा मुद्दा रोज़गार का है। हमारे यहाँ इलाके में जो बहुत ही गंदगी फैली हुई है उसको सफाई का है। यहाँ बद्दी क्षेत्र में या मेरे पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, रोज़गार की कमी है, ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई भी एक मुद्दा है। लेकिन रोज़गार में तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक बिजनेस है, भाई इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इसके बावजूद रोज़गार का मुद्दा कैसे बन सकता है? रोज़गार का मुद्दा इसलिए बना सर कि यहाँ पर जो हिमाचल के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोकल लोगों के बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं और जो माफिया लोग हैं उन्होंने अपने लोगों से पैसे लेकर बिहार से या कहीं बाहर से, यूपी से, कहीं और जगह से लोग मंगाकर उनको लगाया है सस्ते रेट पे। क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो विधायक रहे हैं या विधायक हैं, उनको पत्ती जाती है, उनको पैसा मिलता है और लोकल लोग बेरोजगार इसलिए रहते हैं। ये धनड्ढे लोग हैं, ये गरीबों के बारे में नहीं सोचते। जैसे कि अभी भाजपा की सरकार ये कह रही है कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने 50,000 लोगों को नौकरी दी है, कोरोना के कारण थोड़ा सा धीमा रहा लेकिन 50,000 लोगों को नौकरी दी है, तो उसमें कहीं आपको लगता नहीं विकास हुआ है? सर, नौकरी हमें तो कोई दिख नहीं दी होगी। अगर पार्ट टाइम पे किसी को रखा है तो वो नौकरी नहीं, हम मानते उस चीज़ को। कोई रेगुलर नौकरी इन्होंने नहीं दी आज तक, कोई भी नौकरी नहीं दी है। उल्टा बेरोजगारी को बढ़ाया है, जो नौकरियों से रिटायर हुए उनकी कोई भरा नहीं गया, भर्ती नहीं हुई है किसी की, नहीं, जो रिटायर हो गए पोस्टें खाली पड़ी है टोटल की टोटल। तो आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं जो आप लोगों को नहीं मिल रही, गांव क्षेत्र में नहीं मिल रही? सर, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, मेरे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों, किसानों को सिंचाई का बहुत अभाव है, कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में जितनी सड़कें सब टूटी हुई है, पहाड़ी क्षेत्र में जो स्कूल उसमें टीचर नहीं है। मेरे अगर मैं सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा की बात करूं तो मेरे ब्लॉक में 22 सब सेंटर है जिसमें से 13 पे ताले लगे हुए हैं। ये हालत मेरे पहाड़ी क्षेत्र की है। और मेरे दून क्षेत्र में जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ माफिया है और जो भी धनड्ढे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इलाके के गरीब लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए कोई भी योजना नहीं है। तो उसके खिलाफ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से आशा करते हैं कि वो लोग हमारा साथ देंगे और बांसुरी के बटन को दबाकर इस दून क्षेत्र की जो प्रगति है उसमें हिस्सेदार बनेंगे। अभी आपने बात की रोड मैप की, रोड मैप में मैं इससे पहले आपने बात की थी कि जो पहाड़ी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर सिंचाई का जो कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए क्या विकल्प है? क्योंकि पहाड़ी में पानी को रिजर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी नदियाँ हैं, उस पर चेक डैम लगाए सकते हैं और वहाँ पर बोरवेल लगा सकते हैं, क्योंकि हैंडपम्प वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लगे हैं तो बोरवेल भी लग सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन सर, पता क्या है, आज दिन तक जो होता रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि 55 वर्षों से मैदानी क्षेत्र से वो लोग विधायक बनते आए हैं जो लोग बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, और आज भी वो शराब माफिया, नशा माफिया, ऐसे जैसे कामों से लेकर लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बाकी उनके पास 5 साल के बाद वो हमारे यहाँ आते हैं और लोगों के बच्चों को शराबें, सुल्फा इत्यादि वगैरह पढ़ाकर या कुछ पैसे देकर अपने नज़दीक करके उनसे वोट हटते हैं और 5 साल के बाद उनको कोई नहीं पूछता। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए कि 5 वर्ष तक, एक बार वोट देने के बाद 5 वर्ष तक जब वो किसी को नहीं पूछते हैं तो वो लोग हमें वोट करें, हम उनके हर दुख सुख में उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो ये कहती रही कि कोरोना काल में हमने बहुत काम किया है, हमने लोगों को घर घर राशन पहुँचाया है, लोगों की हर तरह से मदद की है, चाहे आयुष्मान कार्ड है या हिम केयर करके कार्ड है, तो हर एक को कवर करने की कोशिश की है।
जहाँ तक आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, आप PGI जाइए, वहाँ उसमें दिक्कत है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसको नहीं ले रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कोरोना काल की, कोरोना काल में मेरी दूर कैंसर से में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके घर में दो वक्त का खाना 1 महीने या 4 महीने या 1 साल का पड़ा ना हो। ये सब खोखली बातें हैं साहब, इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। और जो भाजपा सरकार कह रही है इंडस्ट्री वालों से पैसा इकट्ठा करके लोगों को बांटा गया है, उनको आटा दिया या चावल दिए, वो अपनी जेब से किसी ने दिए, ऐसी कोई इन्होंने योजना नहीं बनाई कि कोरोना काल में कैसे। आप कोरोना काल की बात करते साहब, कोरोना काल में सड़कों में बच्चे पैदा हुए, सड़कों में बच्चे पैदा, बिहार के लोग यहाँ से पैदल गए, इतनी बद इंतजामी तो हमने जिंदगी में भी देखी नहीं। तो अभी आपका जो आज तक लोगों ने लोगों की लाशों को हाथ नहीं लगाया साहब। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो कैसी हैं? सर मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपको पहले कह दिया कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो चपरासी नहीं है, आपका एक्सरे है तो लैब नहीं है, लैब है तो लैब अटेंडेंट नहीं है। तो अभी तक आपने जितना अपने क्षेत्र में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा, लोगों का क्या मंशा है क्या इस बार? देखो लोग इस बार जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन जो धनवान लोग हैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इनसे दुखी हो चुकी है। पूछो आप। तो अभी पार्टी की ओर से कितने उम्मीदवार जो हैं आपने उतारे हैं? हमारे मेरे ख्याल 35 के आसपास हैं। कुछ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कुछ लोगों के नॉमिनेशन वापस हुए हैं, इसलिए टाइम नहीं था, हम नए लोगों को खड़ा भी नहीं कर पाए वहाँ से। तो जैसे अभी टाइम ही बहुत कम दिया है चुनाव आयोग ने, 12 नवंबर को इलेक्शन है, तो आपको लगता है कि इस 10 दिनों में आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे पूरी? हमारी आवाज़ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल से जा रही है, 5 साल से जा रही है। हमने बहुत ही युद्ध स्तर पर संगठन में काम किया है, हमारी हर जगह हर पंचायत में टीम है, लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को हमारे लोग कोई तवज्जो दे ही नहीं रहे कहीं पर भी नहीं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि जात पात से उठ के सारा कुछ करना चाहिए, तो अभी कांग्रेस ने एक लोगो बना दिया, ना जात पे ना पात पे वोट देना हाथ पे, ये एक नहीं ऐसा है। मैं 20 साल कांग्रेस पार्टी में काम कर चुका हूं और जिला उपाध्यक्ष के माध्यम से भी वहां पे सेवाएं दे चुका हूं। ये जात पात का नारा इन्होंने आज से नहीं है, जब संविधान बना था तब से अमेंडमेंट किया हुआ है। और ये तो हाथ के साथ हर बार होता है कि जात पे ना बात पे मोहर लगाओ हाथ पे, तो ये हाथ किसी को अब नजर नहीं आ रहा है। ऐसा हाल भारतीय जनता पार्टी का भी होने वाला है, क्योंकि वो भी हमारे विरोध में नीतियां बना रहे हैं, तो हमारा समाज इनको वोट नहीं करेगा। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूं प्रदेश के पूरे स्वर्ण समाज से या अन्य वर्ग के लोगों से भी, हम सही दिशा में हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं हमारे लोगों के पास समानता का अधिकार हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किया जाए, नंबर दो नियुक्तियाँ जो है वो योग्यता के आधार पर हो। ये नहीं है कि आप 500 नंबर लेके आ रहे हैं और 500 वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और 100 नंबर वाले को, 50 नंबर वाले को उसकी जगह नियुक्त किया जाता है। ये देश के साथ भी एक बहुत बड़ी गद्दारी है। 100-50 नंबर वाला देश को क्या दे देगा? सरकारें बात विश्वगुरु बनाने की देख रही हैं, ऐसे लोग 50 नंबर वाले इसको विश्वगुरु नहीं बना पाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी एक कार्ड खेल रही है जिसको हम कहते हैं दया वाला कार्ड खेल रही है, राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर एक इमोशनल कार्ड खेल रही है, उधर से भाजपा भी इमोशनल कार्ड खेल रही है। कांग्रेस ने यहाँ तक भी कहा है कि हिमाचल को बनाने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों पे इफेक्ट नहीं डालेगा? देखिए ऐसा है, चुनाव चरम सीमा पे है और ऐसा कार्ड हर राजनीतिक पार्टियाँ खेलती हैं, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मतदाता बहुत ही प्रबुद्ध है, बहुत ही समझदार है। इस बार हर व्यक्ति के मन में बदलाव की भावना है हिमाचल के अंदर। अब ये नहीं चलेगा कि 5 साल BJP 5 साल कांग्रेस, ये दोनों बाहर जा रहे हैं। तीसरी पार्टी बदलाव के लिए आप वाले भी कहते हैं कि हम तैयार बैठे हैं, हम बदलाव लाएंगे। हम पंजाब का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी तरह हम भेड़ चाल में चलने के आदी नहीं है। आम आदमी का एक भी सीट जमानते तक नहीं इनकी बचेंगी यहाँ पे। हम लोगों को फ्री का खाने की आदत नहीं डालते, ये फ्री में दे देंगे वो फ्री में, हम देश का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे इन चीज़ों के साथ। हम लोगों को रोज़गार देंगे, युवाओं के लिए रोज़गार की स्थापना करेंगे प्रदेश के अंदर। हमारे कहने को है कि बद्दी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, फार्मा हब है और है भी है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई जॉब वर्ग नहीं है। यहाँ मैक्सिमम बाहर के लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। स्थानीय सरकारें चुनने के बाद इन जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देता। भाई मैं पिछले 35 साल से राजनीति में हूँ, 20-25 साल कांग्रेस में काम करके निकला हूँ। पिछली बार हमारे
दम पे भारतीय जनता पार्टी की सीट दूंड के अंदर आई थी, और इस बार भी मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि वो पूरा तन मन से जोर लगाएं सीटें निकालने के लिए। तो ये थे राष्ट्रवादी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के ईश्वर जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टक्कर है अब सीधी और सीधी भाजपा की राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ है, जो कि पिछली बार भाजपा को जिताने में इन्होंने अहम रोल निभाया था। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बार राष्ट्रीय देवभूमि के जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा कांग्रेस और आपको टक्कर दे पाएंगे। मैं करमजीत सिंह मुनीश के साथ अर्थ प्रकाश बद्दी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।